अगर कोई शौहर ये सोचता है कि मैं डिवोर्स दूंगा और उसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। उसके बच्चों पर जो होगा वो एक बात है, लेकिन तलाक देने वाले शौहर पर भी हम देखते हैं, स्टैटिस्टिक से पता चलता है कि औरतों के कंपैरिजन में डबल ज्यादा चांसेस है कि वो आदमी डिप्रेशन में चला जाए। mensdivorce.com जो psychcentral.com से रिपोर्ट कोट की गई है, जिसमें बात बताई गई है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारी स्टोरी में जो इमरान नाम का हस्बैंड है, जब उसके बच्चों से वो अलग हो जाता है, जब वो बीवी से अलग हो जाता है, अब उसके पास बीवी नहीं है, अब उसके पास बच्चे नहीं है, और हम देखते हैं कि मर्दों के पास इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो औरतों के पास आमतौर पर होता है बेटर कनेक्टेड होने की वजह से, जो दूसरी औरतों के साथ औरतें ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, ज्यादा बातें करती हैं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके गम हल्का हो जाता है उनका, इन कंपैरिजन इनका गम उस तरह से हल्का नहीं होता। साथ साथ में सोसाइटी का बैड नेम और उसी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।